नंबर फोर्थ, इसमें कह रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन इक्वल एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी ब्रिक्स और डायमेंशनल दिस कैन बी पेंटेड आउट दिस। कह रहा कि कोई ब्रिक्स दिया है, मान लीजिए एक ब्रिक्स है आपका, ठीक है, ये ब्रिक्स है, इसको आपका डायमेंशन दे दिया कि इसमें कितना ब्रिक्स आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, ठीक है, कितना ब्रिक्स आप ये चारों तरफ पेंट कर सकते हो जबकि इक्वल एरिया दिया है। तो आप यहां से निकाल लीजिए, आपको एल दे दिया है 22.5 सेंटीमीटर, बी दिया है 10 सेंटीमीटर एंड एच दिया है आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ब्रिक्स टी एस से क्या हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया 2 NB + BH + HN। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 L क्या आपका 22.5 इंटू बी की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू है 10 इंटू एच की वैल्यू है 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो यहाँ से आप देखोगे 2, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आ जाएगा 225 प्लस यहाँ से 75 आ जाएगा प्लस 7.5 को 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 168.75। तो यहाँ से देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ठीक, 8 5 5 10 10 8 18 का 8 यदि 1 आपको हो गया 7 2 14 14 2 16 6 9 2 4। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए कि आपको टोटल इक्वल एरिया आपको कितना दिया है पेंटेड, 9.375 मीटर स्क्वायर दिया है और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप इसे सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लीजिए या तो इसे सेंटीमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया आपको कितना दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आप चेंज करोगे तो 100 × 100 कर लोगे तो 4 0, तो क्या हो जाएगा 9.357 × 100 × 100, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका हो गया 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो क्या हो जाएगा टोटल पेंटेड एरिया, टोटल पेंटेड एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक्स, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वन ब्रिक्स का कितना है आपका ये वाला 9.375। तो आपका हो गया 9.375। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 9.375 × 10 / 9.375
5 7, तो इसे इसे कैंसिल आउट करोगे तो 10 टाइम्स 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 100 ब्रिक्स आपका आंसर आ जाएगा, 100 ब्रिक्स।